की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आज का सवाल बेटा देखो, हम अभी सवाल लेंगे बेटा, जो कल मैं लास्ट में आपको भेजा था ना अपना लेक्चर नोट्स, तो एक्चुअली उन लेक्चर नोट्स कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ अब करिए बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखो बेटा, अब ऐसा है ना बेटा कि अब देखो कॉस 2x है, तो तुमको पता है कि कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है बेटा, पता है ना आपको, मैं लास्ट में बताया था बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों क्लियर है? और नीचे में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है बच्चों, फाइनली दिस इज। अच्छा उसके बाद बेटा देखो, हम लोग इसको पार्शियली ब्रेक करेंगे बेटा, ताकि बेटा देखो अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन स्क्वायर एक्स ऐसे तो लिख ही सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ अपन तो मैनिपुलेशन तो कर ही सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा माइनस का बेटा यहाँ पे वही चीज है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बेटा हो गया और डीएक्स। तो फाइनली बेटा ऐसा हो गया। तो अब देखो बेटा, एक कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर बेटा कैंसिल होगा, और ये साइन स्क्वायर तो ये साइन को कैंसिल होगा, तो फाइनली बेटा 1/sin² इज व्हाट, कॉसेक स्क्वायर एक्स बेटा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, और दिस इज बेटा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, ये तुमने पढ़ा ही है बेटा, दिस इज फाइनली कोटेक्स माइनस का टेन एक्स और प्लस का दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा देखो, मेरे पास एक मेथड टू भी है बेटा, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि आप लोग बताइएगा ये क्या है क्या नहीं है। मेथड टू मैंने ऐसा किया बेटा कि आपको मैंने यहाँ पे ना हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला आपने ट्री को पढ़ा होगा बेटा। तो अपना सवाल था बेटा कि कॉस 2x अपॉन में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स, ठीक है ना बच्चा। अब देख बेटा, अब ऐसा करते हैं ना बेटा, हम ऐसा कर रहे हैं कि देख हम कॉस 2x को तो रहने दिए बेटा, अच्छा साइन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देख साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया, आप चीजों पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, दिस इज साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, 2x/2 का होल स्क्वायर, गॉट इट। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो 2 का स्क्वायर 4, ये तो बेटा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और यहाँ बचेगा बेटा कॉस 2x/ sin² 2x, किसी को दिक्कत ना हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे बेटा, तो फाइनली बेटा ये हो गया 4 times cot 2x इंटू cosec 2x dx, और दिस इज बेटा -4 cosec 2x/2 प्लस का सी। अब तुमने बोला कि सर ये वाला और ये वाला दोनों तो अलग है, नहीं बेटा ये दोनों आखिर रिजल्ट सेम है बेटा, हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो ना तो आप पूछ लिया करो बेटा, क्योंकि देखो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ बेटा, सब कुछ क्लियरिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, तो आप डीपीपी सॉल्व करो, धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस आ जाएगी, है ना, धीरे धीरे बेटा परफेक्शंस आ जाएंगे, तो जस्ट नोट इट डाउन बेटा। फास्टली एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात है सिरपत परत निशान, किसको किसको समझ में आया बेटा मेरी कहावत, ऐसा कोई है यहाँ पे जो जिसको मेरी कहावत समझ में आया हो? अरे किसी को नहीं आया समझ में बेटा, किसी को कहावत समझ में आया? अदिति, धीरज, अक्षित, शमिता, अंजन भाई, अरे किसी को आया समझ में कि नहीं आया? नहीं सर, अरे हाँ अंडरस्टूड
कैसे शादी होगा तुम लोग का यार, हमको तो इसका टेंशन है। चलियो नोट करिए बेटा, नोट। जल्दी करिए। बेटा हम थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा, ताकि अब अपना क्वेश्चन है बेटा कि 4 cos x/2 इंटू cos x इंटू sin 21/2 x dx करिए, इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेट करिए। तो इसमें ऐसा करिए बेटा कि आप ना एक काम करिए, इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, आराम से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हमने 2 को बेटा इधर कर लिया, तो अब यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा फॉर्मूला। अरे लग जाएगा ना फॉर्मूला, क्या लग जाएगा? त्रिगो का कॉस है ना, क्या कॉस x/2 इंटू साइन, मतलब फॉर्मूला मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब मेरा मैंने ऐसे किया कि मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहूँ, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना चाहूँ। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि दिस इज इंटीग्रेशन 2 into 2 cos x/2 इंटू sin 21/2 into x। इसको अलग कर दिया dx, किसी को दिक्कत? ठीक है चलिए। अब यहाँ पे मैं लगा दू बेटा सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 बेटा एक हो जाएगा sin 11x प्लस sin 10x इंटू cos x का, कोई दिक्कत है? फाइनली बेटा कोई दिक्कत? अब फिर से लगा दो sin a + sin b, तो 2 है ना। अब सीधे लगाइए बेटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बेटा क्योंकि बेटा मेरी काफी क्लासेस हो जाती है, गला सूख जाता है, मैं एक साथ ही कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, सो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज sin 12x प्लस sin 10x ना एक साथ प्लस sin 11x प्लस sin 9x, ये bx था
पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, आई थिंक सही होगा। तो अब देखो sin 12x, अब इसका बेटा इंटीग्रेशन -cos 12x डिवाइडेड बाय 12, फिर sin 10x का इंटीग्रेशन -cos 10x बाई 10, -cos 11x बाय 11, -cos 9x अपॉन का 9 प्लस का सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये बहुत ही अच्छा सवाल था बेटा, ये बेटा आपका दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, है ना, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बेटा एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन लेट मी नो। सर हाँ सर हाउ डिड यू टेक 2 cos x by 2 as sin 11x plus 10? सर क्या बेटा, हाउ डिड यू टेक 2 cos x by 2 sin 21x by 2 अरे as? बेटा मैंने अब यहाँ पे 4 है बेटा, तो मैं यहाँ पे 2 को बाहर करके 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin a cos b पता है ना, sin a plus sin 2a होता है बेटा, ये तो पता है ना, तो मैंने 2 sin a cos a लगाया बेटा यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए बेटा, समझ पा रही हो, हाँ सर, तो यही तो मैंने किया ना बेटा। 2 को देखो यहाँ पे 4 था बेटा, मैंने 2 को बाहर किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a 2 मतलब पता है ना, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है, समझ तो मैंने ऐसे हाँ सर, फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए, हाँ फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए क्या होता है। तो बेटा मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने फिर यहाँ पे कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin 11x cos x + 2 sin 10x cos x, और फिर यहाँ पे देख रहे हो ना 2 sin a cos b, तो sin a + b, बस वही बस सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का बेटा खेल है, कुछ भी नहीं है बेटा, आपका ट्रिगो बस अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो सो नोट इट डाउन बेटा फास्टली, कट जल्दी से करिए बेटा, बेटा मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जल्दी से करिए बेटा। आगे आंसर बेटा देखो, एक कॉस एक्स है, देखो तुमको अल्टीमेटली क्या करना है बेटा, अल्टीमेटली तेरे को ना डिनोमिनेटर जैसा फॉर्म न्यूमरेटर में जनरेट करना, देखो
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जल्दी करो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां से मैं बेटा करो टू को कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा, वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, मैं टू को निकालो बाहर। अब एक काम करो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को रहने दो नीचे में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और यहां पे मैं एक काम करूं बेटा, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पे ना ऐसा कर सकता हूँ बेटा, इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बताइए। मैं टू को बाहर कर दिया, वन प्लस साइन टू एक्स। हाँ अरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर साइन टू एक्स। बेटा आपको फास्ट बनना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर टेक कैंसिल हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली क्या बना बेटा, फाइनली बना आपका टू के ऊपर में, यहाँ मैंने बेटा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स। तो फाइनली क्या बना बेटा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम अब इसको पता है ना, तुमको पता है फॉर्मूला, इसको कॉस टू एक्स नहीं लिख सकते, और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी, फाइनल आंसर इज साइन टू एक्स प्लस का सी, पता। सो दिस इज द वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट, लेट मी नो। सर आई डू cos x plus sin x as taken, we do it like that also, substitution method. So can we do it as substitution method? I took cos x plus sin x equal to d. Samita, मुझे एक चीज बताओ, तुमको मैं substitution method पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं सर, अभी पढ़ाया हूँ। पता है सर, लेकिन मैं पूछ आप कर सकती हो बेटा, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो बेटा ऐसा है ना कि आप अभी जितना मैं बताऊँ ना उतना आप खेलिए, ठीक है ना, इसे बेहतरीन क्या होगा ना बेटा, आपका बहुत इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगा। और आप लोग एक अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं जहां भी पढ़ाता हूँ तो मैं कैलकुलस के लिए बहुत फेमस हूँ, ठीक है ना, आप करिए तो सही ना, आपका बहुत अच्छा कैलकुलस हो जाएगा। आपको मैं इसको ना 8 मेथड से कर सकता हूँ बेटा, 8 मेथड्स लैपलॉस का बताऊंगा आपको। आप थोड़ा सा रुकिए, आप पहले इसको सीख जाइए बेटा, पहले ना थोड़ा सा स्ट्रगल करिए। हाँ आपको बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ईजी है बेटा, आपको बताएंगे, पहले आप सीख जाइए बेटा।
ठीक है। ठीक बस और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स डीएक्स करो बेटा। दो बेटा फास्ट जल्दी से करिए बेटा। हाँ बेटा किसी का आंसर आया हो तो बताइए बेटा। मैं बहुत आप लोग का आंसर देखने को बेताब हूँ। अच्छा देख अपने को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया बेटा। एक काम कर दो, हम तो यहाँ से साइन एक्स कॉमन कर देते। साइन एक्स, साइन एक्स मैंने कॉमन किया, क्या बचा? थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अच्छा इस कॉस स्क्वायर को थोड़ा सा देखो, इसको बेटा हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो अब तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्या हो जाएगा? साइन एक्स तो कॉमन था, इसको बेटा मैं लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली बेटा हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। देखो कोई तो दिक्कत नहीं बेटा, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा बेटा, अब हो जाएगा बेटा, अब साइन एक्स को अंदर अंदर घुसा दो बेटा, हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। और तुमको पता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, और साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 + c। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ये बेटा अपना आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट कॉस एक्स डिग्री डीएक्स, कॉस एक्स डिग्री डीएक्स करिए, जल्दी से करिए। अब तुमने पढ़ा होगा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, पता है? हाँ बेटा, है कॉस एक्स डिग्री डीएक्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, अब वही बेटा देखो, यहाँ पे तो सब लीनियर है बेटा, ये सब लीनियर फॉर्म है। बताइए क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 180 प्लस का सी प्लस। हाँ, अब एक काम करो बेटा, फाइनली इसको ऐसे लिख लो, दिस इज फाइनली इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए। अच्छा बेटा, एक सवाल ऐसा है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 xx² अपॉन xx² इंटू 1 प्लस xx² dx, ये करिए। आप जल्दी जल्दी करिए बेटा, मतलब ताबड़तोड़ करिए बेटा। करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। करो बेटा, समीता बेटा आंसर। अमिता, आंसर है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, कर दी। बेटा,
तुमको ऐसा दिमाग लगाना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वैसा टर्म न्यूमिनेटर में क्रिएट हो जाए। करो ठीक वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताइए डाउट। अब बेटा ऐसा करो ना कि आप ये इन दोनों को एक साथ क्लब कर लो और इसको अकेले देख लो, अब सेपरेट करो बेटा। तो सेपरेट करोगे बेटा तो ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये ऐसा बनेगा प्लस बेटा बनेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इन दोनों को सेपरेट कर लो। अब यहां से बेटा ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट कर लो, ये बचेगा बेटा वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स माइन प्लस का ए और ये कैंसिल, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो बेटा ये तो तुमको पता है, दिस इज माइनस वन बाई एक्स प्लस दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, नोट इट डाउन। बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, नेक्स्ट बता। करिए जल्दी से।
जल्दी करो बेटा। ठीक है बेटा, अब इस दोनों को एक साथ क्लब कर लेंगे बेटा और इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बेटा एक साथ ले, अब देखो 1 + x² अपॉन समथिंग, तो ये बेटा 1/x बचेगा यहाँ से। और बेटा ये बचेगा 2 / 1 + x² dx का इंटीग्रेशन। दिस इज फाइनली बेटा ln मॉड एक्स प्लस 2 tan inverse एक्स प्लस। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल आंसर बेटा। अब करो ये, करो जल्दी से करो। बेटा जल्दी करिए बेटा। देखो इसमें कुछ नहीं बेटा, 1/2 को बाहर निकाल लो, 1/2 को बाहर निकालो, क्या बनेगा बेटा, x/1/x बनेगा, x/1/2 बनेगा बेटा। ठीक है, अब फिर बेटा ऊपर में ऐसे कर दो, x+1/2 -1/2 और नीचे में x+1/2 dx। अब बस इस दोनों को साथ में लो बेटा क्लब करके, क्या बचेगा, मैं सीधे लिखूंगा बेटा 1/2 × 1 - 1/2 x+1/2 dx, दैट इज इक्वल टू 1/2 x - 1/2 ln x+1/2 का मोड प्लस, दैट इज आंसर। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर। तो बेटा आज कितना ही बेटा, डीपीपी 1 DPP 2 बेटा कंप्लीट करो, कल बेटा डिस्कशन कर लेंगे, कल डिस्कशन।
डीपीपी हुआ ना, डीपीपी पे बेटा काइंडली कंप्लीट, कल डिस्कस करते हैं ठीक है बेटा। चलो बेटा कल मिलते हैं फिर।